यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हो हमारा चैनल वर्ल्ड एंड में ब्रोस। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ भाई लोग, बेल आइकन ऑन करना ना भूलना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एस कहती है, वैसे तो आप जैसे किसी को मारने के लिए इस तरह के लाइनअप की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हारे निराश रूप को देखना चाहती हूँ। तो क्या तुम अब तैयार हो? यूरी डरते हुए कहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यूरी वहां से भागते हुए कहती है, मैं तुम जैसे पागल से उलझना चाहती। एस उसको भागते हुए देखकर कहती है, भागना चाहती हो? थंडर एल्फ कहता है, जैसे आपकी आज्ञा। और फिर थंडर एल्फ अपनी पावर को यूज करते हुए उसको बहुत जोर का शॉक दे देता है। और फिर एस उन सभी एल्फ से कहती है, जाओ अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक का प्रयोग करें और अपने दुश्मन को कुचल दे। फिर वो सभी एलिमेंटल स्प्रिट्स यूरी के ऊपर एक साथ अपने वॉइड मैजिक से अटैक कर देते हैं। यूरी कहती है, यह तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। एस बोलती है, तुम अपने लेवल को देखते भी नहीं हो, लेकिन तुम मेरे सामने चाले चलने की हिम्मत करती हो। एक एल्प एस से कहता है, मास्टर एसी, हम कैसे कह सकते हैं कि वह प्रत्येक एलिमेंटल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्फ ही है। अगली बार जब आपको इस तरह की चीजों का सामना करना पड़े तो हमें परेशान ना करें। एस कहती है, ओ क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि काम कैसे करना चाहिए? क्या तुम्हारा कोई ओपिनियन है इस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्फ को अपने बेटे के साथ बदलने के बारे में? क्या ख्याल है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लॉर्ड एसी, मुझे माफ कर दो, इस छोटे एल्प की फिर से ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं होगी। ट्री एल्प कहती है, एसी आप सच में बहुत अच्छी हो। फायर एल्प कहता है, कृपया मुझे माफ करें माय लॉर्ड, उसे जाने दो, हम किसी भी समय आपके कॉल का पालन करेंगे। ऐसी गुस्से से कहती है, अगली बार जब आप ब्ला 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 करने की हिम्मत करें तो देखें कि क्या मैं आप सभी को जमीन पर नहीं गिरा दूं। तभी टीचर मार्टिन एस को वहां पर पुकारते हुए आ रहे होते हैं। मार्टिन को देखकर एस एकदम से खुश हो जाती है। एस कहती है, अरे यह तो मेरे लिटिल मार्टिन बेबी है। एस एल्प से कहती है, क्या तुम लोग यहाँ से दूर जा सकते हो? वह एल्प कहते हैं, जैसा आपका हुक्म। टीचर मार्टिन कहते हैं, मैंने यहाँ दूर से एक भयंकर युद्ध को देखा, क्या तुम ठीक हो? एस बोलती है, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? एस टीचर मार्टिन के ऊपर गिरते हुए कहती है, यह अभी बहुत रोमांचकारी था, दुश्मन बहुत बुरा है, मैं बहुत डर गई हूँ। एस रोते हुए कहती है, मेरे मार्टिन, मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी कि मैं फिर तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। मार्टिन यह सुनकर गुस्से से कहता है, वह दुश्मन कहाँ है? उस कमीने के मैं हजारों लाखों टुकड़े कर दूंगा। जिस पर वो स्टूडेंट कहता है, टीचर यहाँ दुश्मन का कोई भी निशान नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह बच निकला हो? लिटिल मार्टिन, दुश्मन मुझसे हार गया है, लेकिन तुम्हें इतना घबराया हुआ देखकर मुझे लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरा दिल को चुराने वाले मेरे प्रिंस। ऐसा अपने मन में बोलती है, हाँ बस इतनी ही कसकर पकड़ो। अचानक से यहाँ यह बड़ी लकड़ी आखिरकार खुल गई। तभी मार्टिन एस को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, बेशक आप परेशान होंगे, आखिरकार तुम हुलुआ महाद्वीप में मेरी सबसे कीमती और महत्वपूर्ण चीज जो हो, मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड। ऐसी कहती है, मोडुओ क्या तुम्हारे टीचर के दिमाग में अभी अभी कोई गहरी चोट आई है? जिस पर मोडुओ मुंह फेरते हुए कहता है, नहीं मैम। वहीं दूसरी ओर हम डोरना और साटो को घमासान फाइट करते हुए देखते हैं। कड़ी मेहनत करते हुए डोरना अपने मन में कहती है, हालांकि मैंने सिर्फ इन्फिनिट स्वॉर्ड स्टाइल का इस्तेमाल ही किया है, लेकिन मेरी सबसे बेस्ट पावर को इतना कंज्यूम नहीं किया जाना चाहिए। साटो कहता है, फाइनली देखा मैं पहुंच गया, क्या आपको लगता है कि जब तक मेरी बॉडी मेरी लोहे की जंजीरों के संपर्क में नहीं है तब तक मैं तुम्हारी अल्टीमेट फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता? जब तक यह एक निश्चित सीमा के भीतर है, भले ही हमारा कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट संपर्क ना हो, तुम्हारी अल्टीमेट फोर्स मेरे द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तुम केवल अंत तक अधिक से अधिक थक जाओगे जब तक कि तुम्हारी अल्टीमेट फोर्स यानी पावर मेरे द्वारा पूरी तरह से सोख ना ली जाए। तभी डोरना की पावर कम होने लगती है। यह देखकर डोरना कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मोटोसो कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक, इसी वजह से मैं और मेरा भाई उससे हार गए। डोरना गुस्से से साटो के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, यह सिर्फ कुछ नहीं कुछ नीच साधन है वीरता को अपमान करने का। साटो यह देखकर शैतानों की तरह हंसते हुए कहता है, यह तुम्हारी लास्ट अल्टीमेट मूव है ना? क्या तुम यह सोचती हो कि मैं तुम्हारी इस अल्टीमेट पावर से मैं मारा जाऊंगा? नहीं, तुम्हारी अल्टीमेट पावर ही मुझे
और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी। मैं और भी बहुत कुछ मांग सकता हूँ, जितना तुम्हारे अल्टीमेट पावर के पास जितना है उतना मुझे दो। हा हा, इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। Love the chat.